हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारा स्टेशनरी कलेक्शन। वो भी यहाँ पे है पिक 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 बास्केट भर के। तो एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स को आज हम चेकआउट करेंगे। और ये देखिए कितने सारे पेंसिल बॉक्स मेरे पास हैं, बहुत अमेजिंग हेलो किटी की स्टेशनरी और ये मिनियंस की स्टेशनरी भी। सो लेट्स चेकआउट, एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगे उसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो सबसे पहले मेरे पास है गाइज ये BTS आर्मी की ये प्यारी सी ब्लू कलर वाली लुक वाली ये पेंसिल बॉक्स, जिसके ऊपर है यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन और यहाँ पे BTS की 4-4 पिक्चर्स बनी हुई है, नॉर्मल भी और विद टीम मेंबर्स भी। तो ये 4-4 पिक्चर वाली BTS आर्मी की पेंसिल बॉक्स, जिसको हम दोनों साइड से ओपन कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें मिल जाती है ढेर सारी स्पेस, इसमें हमें फ्रंट लुक में भी बहुत सारी स्पेस मिल रही है और बैक साइड में भी बहुत सारी स्पेस मिल रही है। सो ओवरऑल दोनों साइड से बहुत अमेजिंग स्पेस हमें इसमें मिल जाती है। दूसरी तरफ चले तो यहाँ पे मेरे पास है ये एक मोमेंट के लुक वाला छोटा सा स्पाइरल नोटबुक, जो कि है एक डायरी, जिसमें हमें मिल जाते हैं ये स्पाइरल्स। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 स्पाइरल्स लुक हैं। और यहाँ पे बनी हुई है एक मर्मिड के लुक, जिसमें ये प्यारी सी फिश के लुक में एक ये मर्मिड है। इसको ओपन करते ही इसमें हमें मिलते हैं वाइट कलर के पेजेस, जिसमें आप बहुत सारी डिटेल्स लिख सकते हैं। और इसमें हमें ये बहुत सारे पेजेस मिल जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी कर सकते हैं और डिटेल्स भी लिख सकते हैं। चाहिए क्यूट सी एक मर्मिड लुक की ये एक प्यारी सी डायरी, इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक स्पाइडरमैन लुक वाला ये एक आपका हाइलाइटर, जो कि पिंक कलर का है। और देखिए इसके ऊपर तो स्माइली भी बना हुआ है। और सबसे ऊपर बनी हुई है यहाँ पे एक स्पाइडरमैन के लुक, जो कि है रेड कलर का, और इसने एक ब्लू कलर की ड्रेस भी पहनी हुई है। तो ये स्पाइरल यहाँ पे स्पाइडरमैन वाली लुक का ये एक हाइलाइटर, और देखिए ये पिंक कलर का हाइलाइटर कितना स्मूथ चलता है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास क्या इस बास्केट में, ये एक पिंक कलर की एक और पेंसिल बॉक्स, जो कि यहाँ पे है बहुत सारे एनिमल्स के साथ। ये देखिए यहाँ पे रैबिट है, कैट है, डॉगी है, और कितनी प्यारी ये लुक है। ये पूरे यहाँ पे हमें पिंक कलर भी मिल जाती है। यहाँ पे ये पूरी पेंसिल बॉक्स ट्रांसपेरेंट लुक में है। इसको ओपन करते ही हमें इसमें मिलते हैं यहाँ पे दो कंपार्टमेंट, जिसमें है ये फर्स्ट कंपार्टमेंट, और इसमें हमें अपनी पेंसिल रखने के लिए, इरेजर, शार्पनर और कलर्स रखने के लिए अलग अलग बॉक्सेस मिल रहे हैं। इसके नीचे एक और कंपार्टमेंट हमें मिल जाता है, जिसमें हम अपने बाकी के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सो ओवरऑल ये पूरा दो कंपार्टमेंट वाला पेंसिल बॉक्स, जो कि है पिंक कलर का, और वो भी विद लॉट्स ऑफ स्पेस। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे बाबी के लुक वाली एक और पेंसिल बॉक्स, जो कि है यहाँ पे पिंक कलर की, और ये काफ़ी बड़ी पेंसिल बॉक्स है। ये नॉर्मल पेंसिल बॉक्स से ज़्यादा बड़ी है। और यहाँ पे हमें मिलता है बैक साइड में ये पिंक कलर का बॉक्सेस लुक, जिसमें यहाँ पे स्क्वायर लुक्स बने हुए हैं, और इसके ऊपर बनी हुई है ये बाबी की क्यूट सी पिक्चर, जो कि यहाँ पे रेडी है डिस्को जाने के लिए। और यहाँ पे मिल जाता है मुझे एक शार्पनर, जिसमें मैं अपनी पेंसिल इजीली शार्पन कर सकती हूँ। सो ये एक पेंसिल शार्पनर अटैच यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। इसको ओपन करते ही इसमें मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग स्पेस, और यहाँ कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से। तो ये है फर्स्ट कंपार्टमेंट, जिसमें आप अपनी पेंसिल्स अटैच कर सकते हैं, और पेंसिल्स रखने के बाद यहाँ पे मुझे मिलता है एक शार्पनर, जो कि ऑलरेडी इसमें अटैच है, और एक ये इरेजर भी, जिससे हम यहाँ पे इजीली इरेज कर सकते हैं। ये है एक डस्ट फ्री इरेजर। नेक्स्ट मिलता है इसके नीचे एक और कंपार्टमेंट, जिसमें मुझे मिल रही है यहाँ पे ये एक स्केल, वो भी 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसपे है बहुत सारी डिज्नी प्रिंसेस की पिक्चर, और ये एक स्टिकर, जिसके ऊपर यहाँ पे डिज्नी प्रिंसेस की पिक्चर्स बनी हुई है। तो ये ओवरऑल दो कंपार्टमेंट वाला पेंसिल बॉक्स, जिसमें हमें कितना सारा स्पेस मिल जाता है। इसको भी कर देते हैं बंद। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे दोस्तों डॉम्स का ये 5 सुपर डार्क वाली यहाँ पे इनोवेटिव ग्रुप पेंसिल पैक, जिसमें मुझे मिलती है 30 रुपीज में 5 पेंसिल, और ये ब्लू एंड व्हाइट कलर का पूरा लुक है। इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिलती है ये 5 पेंसिल्स, जो कि है ट्रायंगल शेप में, और यहाँ पे हमें मिल जाता है इसके बैक साइड में येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू कलर, जो कि बड़ा ही क्यूट कलर है। और यहाँ पे इसके ऊपर बने हुए हैं ये इनोवेटिव ग्रूव्स, जिसको इजीली आप यहाँ पे ग्रुपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये इनोवेटिव ग्रूव्स के साथ ये 5 पेंसिल्स। नेक्स्ट मेरे पास है डॉम्स का एक और प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे है बाई कलर पेंसिल, जो कि यहाँ पे हमें 12 शेड्स में मिल रही हैं, और इसका प्राइस है 60 रुपीज़। तो ये 12 शेड्स वाला
वाला, यहाँ पे ये पेंसिल पैक जिसमें मुझे मिलते हैं बाई कलर्स, यानी कि 6 पेंसिल्स में ही मुझे यहाँ पे 12 कलर्स मिल जाते हैं, 12 शेड्स मिल जाते हैं। सो ये सारे कलर्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। ये देखिए यहाँ पे हमें मिलती हैं ये 6 पेंसिल्स जिसमें हमें मिल रहे हैं दो दो डिफरेंट डिफरेंट कलर, और देखिए कितने प्यारे कलर्स हैं, ये ऑरेंज एंड ग्रीन, ये रेड एंड ब्लू, ये यहाँ पे येलो एंड ग्रीन, ये ब्लैक एंड ब्राउन, ये पिंक एंड ब्लू, और ये स्काई ब्लू एंड क्रीम कलर। ये सारे कलर्स आप देखिए कितने प्रिटी और शार्पन हैं। इसके बाद है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये एक इरेजर पैक जिसमें मुझे मिलती है 4 इरेजर, और ये एक बियर इरेजर केक शॉप है, यहाँ पे बियर केक शॉप लिखा हुआ है और बैक साइड में भी बियर केक शॉप बना हुआ है। इस पैक को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिल जाती है ये 4 इरेजर। चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो ये है 4 इरेजर जो कि डोनल लुक में बने हुए हैं, जो कि ईटिंग वाला खाने वाला डोनल होता है वैसा लुक। और देखिए इसमें मुझे 4 इरेजर मिल रही है, ये पर्पल कलर की, ये ग्रीन कलर की, ये पिंक कलर की, और ये रेड कलर की, और ये सारे राउंड शेप में है जो कि डोनल लुक में है। इसको हम इजिली इरेज के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये 4 इरेजर विद प्रिटी प्रिटी लुक। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये एक डिज्नी प्रिंसेस का पेंसिल बॉक्स जो कि है पिंक एंड पर्पल कलर में, और देखिए इसके ऊपर बनी हुई है 3 डिज्नी प्रिंसेस पिक्चर जिसके ऊपर बोल्ड इज ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, और ये है डिज्नी प्रिंसेस। इस पूरे पेंसिल बॉक्स का लुक कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कॉर्नर्स में दो दो कंपार्टमेंट जिसे हम मैन्युअली कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम अपना शार्पनर अटैच कर सकते हैं और यहाँ पे अपने इरेजर। सो ये दो दो कंपार्टमेंट जो कि इजीली आपके ओपन भी हो जाते हैं। चलिए इसको भी बंद करते हैं। फ्रंट लुक में हमें मिलता है कुछ ऐसा लुक जिसमें हमें सबसे पहले मिलती है एक कंपार्टमेंट जिसमें आप अपने पेंसिल्स रख सकते हैं, और इसके नीचे मिल जाता है और भी ज़्यादा स्पेस जिसमें आप अपने बाकी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। सो ये दो दो कंपार्टमेंट वाला पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे ये पिंक कलर का अमेजिंग सा बनी वाले लुक वाला ये एक फर डायरी जिसमें हमें यहाँ पे ये पूरे फर लुक मिल रही है जो कि बहुत स्मूथ है। ये देखिए ये पिंक कलर के पूरे फर जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्सिंग है, और यहाँ पे हमें मिलता है ये यूनिकॉर्न टाइप में बनी लुक यहाँ पे जो कि यहाँ एक प्यारा सा लुक है, और यहाँ पे हार्ट शेप भी बनी हुई है। इसको ओपन करते ही इसमें मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे पेजेस जो कि है यहाँ पे पिंक कलर की लाइन्स के साथ, और देखिए यहाँ पे हमें स्टार्स पिक्चर्स भी मिल रही हैं। सो ये बहुत सारे पेजेस जिसमें आप यहाँ पे बहुत सब कुछ यहाँ लिख सकते हो। सो ये काफ़ी अमेजिंग डायरी है जिसमें काफ़ी कुछ नोट किया जा सकता है। सो ये पिंक कलर का यहाँ पे क्यूट बनी डायरी। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न की ही ये एक हाइलाइटर जो कि है मल्टी कलर हाइलाइटर। ये एक प्यारा सा 3 कलर वाला हाइलाइटर है जिसके ऊपर यूनिकॉर्न की भी यहाँ पे लुक बनी हुई है। ये यूनिकॉर्न का फेस बना हुआ है जो कि यहाँ पे काफ़ी क्यूट है, और इसको हटाएंगे तो यहाँ मुझे मिल जाता है एक ऑरेंज कलर का हाइलाइटर जो कि देखिए कितना वाइड लुक में है। इसको ओपन करेंगे तो इसके नीचे मुझे मिल जाता है येलो कलर का हाइलाइटर, और उसके भी नीचे हमें मिल जाता है ये एक रेड पिंकिश कलर का हाइलाइटर। तो टोटल 3 हाइलाइटर हमें इसमें मिलते हैं जो कि इजीली आप यहां अटैच कर सकते हैं और इसको वापस बंद कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए ये फिर से पूरा हाइलाइटर बन गया है एक यूनिकॉर्न लुक। तो ये यूनिकॉर्न वाला ये मल्टी कलर हाइलाइटर। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये पिंक एंड वाइट कलर का पावरफुल वाला एक पेंसिल बॉक्स जिसमें मुझे मिलते हैं दो दो कंपार्टमेंट, और देखिए ये बैक साइड से भी ओपन होता है और फ्रंट साइड से भी, जिसके ऊपर यहाँ टाइगर एंड लायन की पिक्चर है। तो ये फ्रंट लुक ओपन करते ही हमें मिल जाता है बिल्कुल प्लेन बेसिक लुक जिसमें आप अपनी पेंसिल्स रख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पेंसिल्स ऐड हो गई हैं, और इवन अभी भी बहुत सारा स्पेस है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बैक साइड का भी लुक है जिसे हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे भी हमें मिल जाता है एक कुछ इस तरीके का लुक जिसमें आप अपने पेंसिल से रेजर शार्पनर सब रख सकते हैं। और चलिए इसके मिडल के लुक को भी देखते हैं। सो यहाँ पे ये है मिडल लुक, जिसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा लुक मिलेगा। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक वाइट बोर्ड, और ये वाइट बोर्ड मार्कर जो कि है डस्टर के साथ, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इस डस्टर से इसे क्लीन अप भी कर सकते हैं। देखिए कितना क्लीन हो गया है।
है। सो ये काफ़ी मल्टी कलर वाले लुक वाला यहाँ पे हमें वाइट बोर्ड मिलता है, और यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी मिलता है जिसमें हम अपने यहाँ अपना मार्कर और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सो ये तीन तीन कंपार्टमेंट वाला, तीन तीन लुक वाला ये पिंक एंड वाइट कलर का काफ़ी अमेजिंग लुक वाला पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे ये मिनियंस वाला स्टेशनरी पैक जो कि है येलो कलर का मिनियंस लुक, और देखिए ये पूरा येलो कलर का लुक है जिसके ऊपर मिनियंस का पिक्चर बना हुआ है, और इसके बैक साइड पे भी बने हुए हैं ये मिनियंस की पिक्चर जो कि है तीन मिनियन फ्रेंड्स। इसको ओपन करते ही यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, चलिए सबको ओपन कर लेते हैं। ये पैक हो गया है खाली। सबसे पहले इसमें मुझे मिलती है ये येलो कलर की पेंसिल बॉक्स जिसके ऊपर मिनियन की पिक्चर बनी हुई है, एंड जिसमें देखिए यहाँ पे मूचो मियोनोस, यहाँ पे मिनियंस सारी लुक बनी हुई है, और ये पूरे मिनियंस की पिक्चर्स बहुत प्रिटी जिसमें बैक साइड पे भी मिनियंस की पिक्चर है। ओपन करते ही इसमें मुझे मिलता है कुछ ऐसा लुक जिसमें आप अपने सारे स्टेशनरी आइटम्स रख सकते हैं। इसके बाद इसमें हमें मिलती हैं ये दो येलो कलर की मिनियंस वाली पेंसिल जिसके ऊपर मिनियंस के ही डिज़ाइन बने हुए हैं, और यहाँ पे हमें ये राउंड शेप की पेंसिल मिल रही हैं। देखिए कितने प्यारी मिनियंस लुक इस पर बनी हुई है। नेक्स्ट इसमें मुझे मिलता है ये एक इरेजर जो कि है वाइट कलर का डस्ट फ्री इरेजर, और इसके ऊपर भी है मिनियंस की पिक्चर, और यहाँ पे इरेजर के बाद एक शार्पनर भी है जो कि है ये येलो कलर का लॉन्ग पॉइंट शार्पनर, एंड नेक्स्ट है इसमें ये एक स्केल जो कि है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो भी फोल्डेबल स्केल जिसको आप कैसे भी मोड़ सकते हो। तो ये एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग फोल्डेबल स्केल, और इसके बाद अब मेरे पास है ये एक छोटा सा एरोप्लेन जो कि है एक इरेजर एंड शार्पनर कॉम्बिनेशन। जी हाँ, इसमें एक साइड से है इरेजर और एक साइड से है शार्पनर, जिसमें यहाँ पे फ्रंट लुक में मुझे मिलता है शार्पनर जिसमें पेंसिल शार्पन करने के बाद सारा डस्ट कलेक्ट होता है इस पोर्शन में, जिसे ओपन करके आप क्लीन अप कर सकते हैं। और यहाँ पे इरेजर भी हमें मिलती है जो कि है बैक साइड में, ये है इरेजर जिससे आप यहाँ पे इरेजर कर सकते हैं, और ये देखिए ये प्यारा सा प्लेन जिसको हम यहाँ पे कहीं भी चला सकते हैं, है ना प्रिटी। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक आपकी एक सुपर हाई स्पीड ट्रेन, और देखिए ये हाई स्पीड ट्रेन है, ट्रेन विद हाई स्पीड, और ये एक शार्पनर एंड इरेजर है। सो यानी कि ये भी एक शार्पनर एंड इरेजर पैक है, चलिए इसको भी ओपन करते हैं। सो ओपन करते ही यहाँ पे मुझे मिल जाता है ये पूरा लुक जो कि एक यहाँ आपकी शार्पनर और इरेजर तो है ही, बट यहाँ पे ये मिलती है एक ट्रेन के लुक में। चलो भाई हमारी ट्रेन आ गई छिक 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 करती हुई, और ये देखिए ये है इसका पिंक कलर का लुक जिसमें हमें यहाँ पे पूरा हाई स्पीड एक मेट्रो ट्रेन जैसी लुक मिल रही है। इसको बैक साइड से ओपन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है शार्पनर जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं, और इसका डस्ट कलेक्ट यहाँ से हम ओपन करके क्लीन अप कर सकते हैं। दूसरी साइड से हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगी इरेजर जो कि काफ़ी लॉन्ग इरेजर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एक हिडन बॉक्स भी है जिसमें आप अपने बाकी के प्रोडक्ट्स भी रख सकते हैं। सो ये एक शार्पनर इरेजर वाला कॉम्बो जो कि एक काफ़ी लुक में है, वो भी एक ट्रेन के लुक में। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये हेलो किटी की पेंसिल बॉक्स जो कि है पिंक एंड वाइट कलर के लुक में, जिसके ऊपर हेलो किटी भी लिखा हुआ है, और बैक साइड में यहाँ पे बनी हुई है हेलो किटी की ही सुंदर सी पिक्चर। इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें दोनों साइड रोलर्स मिल रहे हैं, और ये पेंसिल बॉक्स ईजिली ओपन भी हो जाती है। इसके अंदर मुझे मिलते हैं दो दो कंपार्टमेंट। पहला कंपार्टमेंट है ये लोअर कंपार्टमेंट जिसके ऊपर यहाँ हेलो किटी की ढेर सारी पिक्चर्स बनी हुई है, और ये है सेकंड कंपार्टमेंट जो कि है अपर कंपार्टमेंट जिसमें हमें यहाँ पे हेलो किटी लिखा हुआ मिल रहा है, और उसके साथ ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसके अंदर मिल रही है मुझे ये दो वाइट एंड ब्लू कलर की पेंसिल जो कि है विद हेलो किटी पिक्चर, और यहाँ पे इरेजर भी मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ये एक स्केल जो कि है यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर लुक में, और यहाँ पे भी हेलो किटी की पिक्चर दिख रही है, एक छोटू सा शार्पनर और एक इरेजर भी हमें इसमें मिल रहा है, और इसको वापस हम कर देते हैं बंद। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है ये एक इरेजर सेट जो कि है गर्ल्स इरेजर सेट, जिसमें मिलती है 1 2 3 4 4 4
डिफरेंट टाइप की इरेजर्स, जिसमें मुझे चार डिफरेंट लुक मिल रहे हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करते ही यहाँ पे मिलती है ये फोर इरेजर्स। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। ये है एक छोटा सा केक इरेजर जो कि है पिंक स्काई ब्लू कलर में और यहाँ पर्पल कलर में, जिसके ऊपर यहाँ पे हमें छोटे छोटे हार्ट्स दिख रहे हैं और ये इसके ऊपर प्यारा सा लुक भी दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे ये मिक्सर ग्राइंडर, जिसमें हम जूस बनाएंगे, जिसमें हमारा जूसर रेडी होता है, तो इसमें हम अपना जूस रेडी करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ये टेलीफोन जो कि है यहाँ पे स्काई ब्लू एंड पिंक कलर में, जिसको हम यहाँ पे ट्रिंग ट्रिंग करके हेलो फोन उठा के यूज करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एक टीवी जो कि यहाँ पे एंटीना के साथ है। ये देखिए इसके ऊपर ही एंटीना है, सो ये एक छोटू सा मिनी टीवी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास बचा है ये पिंक कलर का हेलो किटी वाला स्टेशनरी सेट, जिसके अंदर पिंक एंड वाइट कलर के लुक में पूरी हेलो किटी की पिक्चर्स के साथ पैक मिल रहे हैं। और देखिए बैक साइड में हमें मिलता है ये एक बॉक्स को तरह पूरा लुक, जिसको हम कट करके ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए इस पूरे पैक को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे पैक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर अब हमें क्या क्या मिल रहा है। सो ये है पूरा पैक हमारा, जिसमें हमें मिल जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स। जस्ट लुक एट दिस। सबसे पहले इसमें मुझे मिलती है ये पिंक एंड वाइट कलर की पेंसिल्स, जो कि यहाँ पे विद अटैचर मिल रही हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल मिल रही हैं। और यहाँ पे हमें सारी पेंसिल के बैक साइड में इरेजर भी मिल रही है। ये देखिए कुछ ऐसी पेंसिल्स हैं। एंड नेक्स्ट हमें इसमें मिलता है ये एक स्केल जो कि है हेलो किटी की ही लुक का स्केल, जिसमें हमें मिल रहा है ये पिंक एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्रांसपेरेंट लुक। और देखिए इसके ऊपर कितना प्यारा हेलो किटी का पिक्चर बना हुआ है। नेक्स्ट मुझे इसमें मिलती है ये दो इरेजर जो कि है यहाँ पे हेलो किटी की ही लुक में, और ये भी है डस्ट फ्री इरेजर। ये देखिए ये वाइट कलर की दो दो इरेजर, एक साइड हेलो किटी और एक साइड हेलो किटी के पिक्चर्स। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे मिलता है ये एक हेलो किटी का एक आपका प्यारा सा इस तरीके का उसका जो क्लिप है यहाँ है, और क्लिप उस तरीके का वो क्लिप में शार्पनर, और ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है, जिसमें से हम अपनी पेंसिल यहाँ से शार्पन कर सकते हैं और इसको इजीली ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। एक और शार्पनर यहाँ मिल रहा है जो कि पूरा हेलो किटी के फेस के लुक का है, और ये भी एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है। ये देखिए कुछ ऐसा शार्पनर जिसमें हम अपनी पेंसिल शार्पन कर सकते हैं, और ये एक डस्ट कलेक्टर शार्पनर है। इसका पूरा लुक हेलो किटी के फेस जैसा है और इसको भी हम ओपन करके क्लीन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें मुझे मिल रहा है ये एक पेंसिल बॉक्स जो कि हेलो किटी की ही लुक में, और ये पूरा पिंक एंड वाइट कलर के लुक का पेंसिल बॉक्स है। देखिए कितना क्लासी लुक मिलता है। इसके ऊपर हेलो किटी की प्यारी सी पिक्चर बनी हुई है, और ओपन करते ही यहाँ पे भी हेलो किटी का पिक्चर मिल रहा है, और इसके अंदर मिल जाता है एक और कंपार्टमेंट। सो ओवरऑल दो दो कंपार्टमेंट वाला पेंसिल बॉक्स जो कि है हेलो किटी के लुक में। सो गाइस कैसा लगा आज का ये पूरा वीडियो, आपको कैसे लगे, और सारे प्रोडक्ट में से आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगा उसके लिए एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।